छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि धान खरीदी, महतारी वंदन योजना जैसी कई गारंटी पूरी की गई है। जितना काम पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ था, उतना काम हमारी 100 दिन की सरकार ने किया है। 12 हफ्तों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों का आज मैं यहाँ पर ब्यौरा देने के लिए उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये 12 हफ्तों में जो अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, वैसे किसी भी सरकार का आकलन 12 हफ्ते या फिर 100 दिन में उसका आकलन नहीं हो सकता। लेकिन जिस तीव्र गति के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने और पूरे टीम ने जिन योजनाओं को मूर्त रूप दिया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है एक रिकॉर्ड समय, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और जिन वादों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर तक गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऐसे महत्वपूर्ण गारंटियां आज पूरी हुई है। तब हमारे जो वनवासी भाई हैं उनका पत्ता पत्ता तेंदूपत्ता भारतीय जनता पार्टी खरीदने का निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी होती है और लगभग 13 लाख वनवासी बंधु इसमें लाभान्वित होते हैं, उनके परिवार लाभान्वित होते हैं। 12 तारीख को ही जंगल यात्रा के नाम से कोंडा गांव में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से हमारे जो तेंदूपत्ता संग्राहक हैं उनको सीधा सीधा इसका लाभ देने का योजना चालू किया गया। और जो कांग्रेस की सरकार पिछले 5 वर्ष तक हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को जो चरण पादुका से वंचित करके रखा था, उस चरण पादुका को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार फिर से प्रारंभ करा रही है, ये आपके मैं संज्ञान में लाना चाह रहा था। उसके अलावा जो हमारे यूपीएससी के तर्ज पर हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो सशक्त हो, क्योंकि तो पिछले बार हम लोगों ने देखा जो पीएससी में जिस तरीके से घोटाले हुए और उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई को सौंप करके हमारे यहाँ के जो युवाओं के साथ में अन्याय ना हो इस बात का संकल्प हमने दिया था, उस संकल्प को भी हमने पूरा किया। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे देश का सबसे बड़ा सपना लगभग 550 साल 1000 किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित करने का निर्णय लिया गया है और हमारे जो बस्तर दशहरा है, इस बस्तर दशहरा के लिए भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की, यहाँ के स्थानीय विधायक ने मांग की और उस पर हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने उस बात की घोषणा की कि बस्तर का दशहरा 25 लाख से बढ़ करके अब उसे 50 लाख करने का निर्णय लिया है। और जो हमारे चित्रकूट महोत्सव जिसे हम लगातार 2011-12 से लगातार हम लोग वहाँ पर चित्रकूट महोत्सव मनाते आ रहे हैं, उसके लिए भी जो 10 लाख से बढ़ा करके उसकी राशि 25 लाख की गई है। उसी तरीके से रामाराम मेला
जहाँ पर सुकमा क्षेत्र में इस रामाराम मेला को मनाया जाता है, उसके लिए भी 10 लाख का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो प्रधानमंत्री आवास से कांग्रेस की पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से छल किया, लोगों को उससे वंचित किया, उस प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और हमारे गरीबों के लिए आवास का निर्माण हो, इस बात का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। मोदी जी की एक और गारंटी जो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर कही थी, उस गारंटी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देसाई जी की सरकार ने दिया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और इन 100 दिनों के भीतर में 12 हफ्तों में ही जिस तीव्र गति के साथ में काम हुआ है, हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में इससे और बेहतर काम करके दिखाएंगे।